For class, how are you? Today's lecture is about SVT. SVT means summer vacation task. तो आज का लेक्चर जो है वो SVT से रिलेटेड है कि हमने SVT कैसे सॉल्व करना है. डू ऑल द questions ऑन नोटबुक. आपने क्या करना है, सबसे पहले कि सब जो सारे हैं क्वेश्चन नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं. पूरा SVT आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है, ठीक है. अप्लाइंग डिक्शनरी स्किल्स. द डिक्शनरी हेल्प्स यू फाइंड द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, हाउ द वर्ड इज़ यूज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. तो जो भी हम जब एक वर्ड के बारे में फाइंड करते हैं तो हमने उसका मीनिंग फाइंड करते हैं, डेफिनेशन, उसके बाद उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और उसके बाद कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस हिस्से में आता है, ठीक है. हमने एक वर्ड डिक्शनरी यूज़ करनी है, उसमें हमने वर्ड को देखना है, वो उसके प्रोनाउंसिएशन देखनी है, फिर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से हिस्से में है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लॉसम. डेफिनेशन, अ फ्लावर स्पेशली द फ्लावर ऑफ द फ्रूट ट्री, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको बोलना कैसे होता है, ब्लॉसम, ठीक है. इसके ये टू पार्ट्स बने हैं. उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, ब्लॉसम क्या है, नाउन है, ठीक है. तो ये आपके पास हैं रियलाइज, अडल्ट, प्रेजेंस, ट्राइबल, डोनेट, ऑफुल. ये आपके पास सिक्स वर्ड हैं. आपने इनको डिक्शनरी से फाइंड करना है, इनकी डेफिनेशन. ऐसे ही आप लोगों ने वर्ड राइट करना है, फिर डेफिनेशन, फिर प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. फॉर एग्जांपल, सबसे पहला वर्ड है रियलाइज. इसको प्रोनाउंस कैसे कहते हैं, रियलाइज, ठीक है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, वर्ब है. उसके बाद डेफिनेशन इसकी है, बिकम फुली अवेयर ऑफ समथिंग. इज इट क्लियर. तो इसी तरह आपने बाकी सब ये जो है अडल्ट, प्रेजेंस, ट्राइबल, डोनेट और आफुल, इनके भी आपने इसी तरह डेफिनेशन और प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब कुछ आपने राइट करना है. और ये आपने सब कुछ नोटबुक के ऊपर राइट करना है. नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन. कम्प्रीहेंशन जैसे हम लोग वर्कबुक पे सॉल्व करते हैं वैसे ही कम्प्रीहेंशन है. पहले उसको पढ़ना है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट का लाइफ साइकिल क्या है, एक प्लांट कैसे बनता है, कहाँ से शुरू होता है और कैसे वो एक पूरा एक प्लांट बन जाता है. तो ये प्लांट जैसे सीड से स्टार्ट होता है, उसके बाद सीडलिंग होती है, फिर प्लांट बनता है, फिर उसके बाद फ्लावर होता है, ये इसका लाइफ साइकिल है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे. अपने ये नोटबुक पे सॉल्व करने के क्वेश्चन आंसर, सॉल्व द क्वेश्चन ऑन नोटबुक विच इज़ ट्रू ऑफ फॉल्स. ये उसी कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड ये ट्रू फॉल्स हैं. अपने कम्प्रीहेंशन को पढ़ना है और फिर ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज़ अ सीडलिंग. सीडलिंग क्या है, वो भी कम्प्रीहेंशन में लिखा हुआ है, आपने वो भी आंसर देना है. हाउ डू द लीव्स हेल्प द प्लांट, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ाबेट वर्ब हंट. ये पूरा अल्फ़ाबेट पूरे राइट हैं ए टू जी. फाइंड अ वर्ब फॉर एवरी लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट. ए बी सी डी ई एस सभी अल्फ़ाबेट राइट किए हुए हैं. आपने हर अल्फ़ाबेट का एक वर्ब फाइंड करना है. जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ए से मैंने फाइंड किया अवेक, बी से बाग, और सी से भी क्या है, जो भी वर्ब आएगा आपने ए टू जी राइट करनी है, ठीक है. जो चीज़ यहाँ पे सॉल्व होने वाली वो यहाँ पे आप एसवीट पे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे ये प्लॉज है, ये सारा एसवीट पे सॉल्व हो सकता है, आपने इसके ऊपर ही कर लेना. इज इट क्लियर. नेक्स्ट अगेन कम्प्रीहेंशन, फ्रूट वर्सेस वेजिटेबल्स. ये कम्प्रीहेंशन है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड है. इसको आपने पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसको अंडरलाइन कर दें और डिक्शनरी से उसके मीनिंग आपने फाइंड करने हैं. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो ऑन नोटबुक. ये टेबल जो है आपने नोटबुक पर सॉल्व करना है. जैसे फ्रूट है और वेजिटेबल है, पॉइंट्स विच आर सेम इन बोथ फ्रूट एंड वेजिटेबल. यहाँ पे हमने फ्रूट्स के लिखना है कि फ्रूट में क्या डिफरेंट होता है और वेजिटेबल में क्या डिफरेंट है, और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, वो सेंटर में ये राइट करनी है, ठीक है. ये डिफरेंस इन इस साइड पे दोनों के डिफरेंस राइट करने हैं, उसके बाद सिमिलरिटी सेंटर में राइट करनी है, ओके. उसके बाद है कैन यू नेम एनी फ्रूट विच हैज़ सीड ऑन द आउटसाइड. क्या आपको ऐसे फ्रूट का पता है जिसके सीड जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं. मुझे तो पता है, क्या आपको पता है वो कौन सा फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है. उसके बाद है एडजेक्टिव. राइट सूटेबल एडजेक्टिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यूज़ अ वर्ड गिवन इन द बॉक्स.
ये हमारे पास बॉक्स में एडजेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है, उनको अपने इनके साथ मैच करने के कहाँ पे कौन सा सूटेबल है किसके लिए। अ डैश स्टोरी, अ क्या स्टोरी, कौन सी स्टोरी होगी, अ बोरिंग स्टोरी, ठीक है। अ डैश फेस, अ स्माइलिंग फेस। अब यहाँ पे अ डैश ड्रिंक, तो इसमें से कौन सा आएगा, एक्साइटिंग, रिफ्रेशिंग, बोरिंग, लविंग, रनिंग, स्माइलिंग, तो इसमें ये आ सकता है रिफ्रेशिंग ड्रिंक। एंड डैश राइड, एंड एक्साइटिंग राइड। उसके बाद है अ डैश पेरेंट्स, डैश लविंग पेरेंट्स, डैश वाटर, क्या हो सकता है, रनिंग वाटर, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगेगा आपने वो राइड करना है। इसके बाद फिर से एडजेक्टिव हैं, ये ब्लॉक में दिए गए हैं, ड्राइड, वेस्टेड, पेंटेड, ड्रेन, क्लोज्ड, बॉयल, तो आपको जो सूटेबल यहाँ पे लगेगा आपने, जैसे मैंने यहाँ पे किया आ डैश वॉल, आ पेंटेड वॉल, आ डैश डोर, आ क्लोज डोर, तो आपने बाकी जहाँ पे भी जो सूटेबल होगा आपने वो राइट करना है। अगेन नेक्स्ट पीरियड, ओल्ड, डिफ़िकल्ट, हैप्पी, न्यू, सिंपल, फियर्स, तो अगेन ये सारे वही हैं, आपने ध्यान से इसको देख के तो सॉल्व करना है। री राइट दीज सेंटेंसेज बाय एडिंग एट लीस्ट वन एडजेक्टिव टू ईच नाउन। फ्यू ऑब्जेक्टिव आर गिवन, यू मे यूज़ दीज फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। ये वर्ड बॉक्स है, इसमें हमारे पास वर्ड दिए गए हैं, ये सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं, हमने सेंटेंस को री राइट करना है, नाउन के साथ एक हमने एडजेक्टिव ऐड करना है। द गर्ल वॉज वेयरिंग अ ड्रेस, तो हमने इसमें करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे नाउन क्या है, गर्ल भी है और ड्रेस भी है, ठीक है, तो हमने गर्ल्स के साथ भी, गर्ल के साथ भी एक एडजेक्टिव ऐड करना है और इसके साथ ड्रेस के साथ भी, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, द लवली गर्ल वॉज वेयरिंग अ प्रीटी ड्रेस, तो हमने गर्ल के साथ ऐड किया लवली और ड्रेस के साथ ऐड किया प्रीटी, ठीक है, वो यहाँ पे अपने वर्ड बॉक्स में मिल गए। उसके बाद द बुल वॉज इन द फील्ड, तो यहाँ पर हमारे पास टू नाउन है, तो वो हम कैसे उनके साथ क्या लगाएंगे, तो आपने इस पूरे बॉक्स में देखना है और जो आपको सूटेबल लगेगा वो आपने यहाँ पे राइट करना है और री राइट करना है नोटबुक के ऊपर, ठीक है। जैसे द हॉर्स वॉज इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास टू थे, हॉर्स और फॉरेस्ट, तो मैंने क्या ऐड किया, द ब्लैक हॉर्स वॉज इन द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ब्लैक भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ब्लैक भी है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे डेंस भी मिल गया, ठीक है, तो आपने इसको राइट कंप्लीट करना है नोटबुक के ऊपर।